जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित जोनल अस्पताल में जनरल ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी हैं और जल्द ही अन्य ओपीडी भी खुलवाई जाएंगी। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि शहरवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए धर्मशाला अस्पताल में आज से जनरल ओपीडी शुरू करा दी गई है। इसके अलावा धर्मशाला अस्पताल में अन्य ओपीडी को भी जल्द ही खुलवाया जाएगा। कोरोना को लेकर हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हम लोगों को आए दिन देखने को मिली है, परंतु हमारे आम जनमानस को सारी मूलभूत सुविधाएं मिलते रहें, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके साथ निरंतर हम लोगों का प्रशासन के साथ बैठना हुआ है। आज मुख्य तरह से जो मुख्य विषय था वह धर्मशाला अस्पताल को लेकर था, क्योंकि अभी लॉकडाउन 3 का जो है वो पीरियड शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हम लोगों को एक चीज़ अक्सर देखने को मिल रही है कि लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है समय समय पर अच्छे ढंग से मिलते रहें, इसके लिए धर्मशाला अस्पताल के लिए हम लोगों ने आज बातचीत करके यहाँ पर आज ही से जो है ओपीडी शुरू करवा दी है। अब किसी तरह से अगर कोई समस्या आती है तो धर्मशाला अस्पताल में लोग जो है ओपीडी के लिए आ सकते हैं। जनरल ओपीडी खुली है, आई और स्किन की ओपीडीज खुली हैं, और अन्य जितनी भी ओपीडीज हैं इनको बहुत जल्द हम लोग अगले 3-4 दिनों के अंदर खोलने वाले हैं। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पूरे विश्व और पूरे देश को इसने जकड़ के रखा है, और ऐसा कोई पूरे विश्व में कोई देश नहीं है जिस देश में ये बीमारी ना आए। हाँ, आज कोविड को ध्यान में रखते हुए और इनके मरीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला कांगड़ा में जो है वो 4 सेंटर बनाए हैं। ऐसे सेंटर जो हैं वो एक आपका ज्वाला जी में, कांगड़ा के छेब में है, एक हमारा बाटर कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बना और एक बैजनाथ में बना। इसके अलावा ऐसी तैयारियां करी गई हैं, अगर पेशेंट ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम लोग धर्मशाला भी उनको लाया जा सकता है। ये तैयारियों के हिसाब से इस चीज़ को बनाया गया है, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर तैयारियां हम लोगों ने की है तो हमारी कोई आप ओपीडी या कोई अस्पताल बंद हो रहा है, ऐसा कतई नहीं होगा। अगर किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो स्वास्थ्य से संबंधित जो है तो उसका समाधान किया जाएगा, उसकी एडमिशन भी की जाएगी, उसका इलाज भी जो है बिल्कुल सुचारू रूप से किया जाएगा। वहीं नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि जोनल अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बनाने को लेकर डीसी कांगड़ा से बातचीत की गई है, क्योंकि लोग इसको लेकर चिंतित हैं। डीसी कांगड़ा ने आश्वासन दिया है कि यदि इमरजेंसी में किसी को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है तो धर्मशाला अस्पताल में सुविधाएं मिल जाएंगी। हॉस्पिटल के बारे में जो लोगों के कुछ चिंताएं थी, जो पिछले 2-4 दिन से फ़ोन कर रहे थे कि हॉस्पिटल यहाँ कोविड-19 के लिए इसको नोटिफाई किया है, उसके रिगार्डिंग जो चिंताएं थी उसको लेके मैं डीसी साहब से बात करने आया था। और मुझसे पहले वहाँ हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो इस पर चर्चा कर रहे थे, और जैसे हम पहुँचे तो उसको हमने डीसी साहब से बात की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोगों की जो चिंताएँ हैं वो वाजिब थी, लेकिन डीसी साहब ने इंश्योर किया वहाँ की ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे इंडोर पेशेंट, अगर धर्मशाला में ओपीडी तो हमारी चली हुई है, अगर कहीं कोई इमरजेंसी ऐसा पेशेंट आता है जिसको इंडोर एडमिट करना पड़ता है, उसकी जो संभावनाएं थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी 2-4 दिन में ये उसको या तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या इसी हॉस्पिटल में ये शुरू कर देंगे, और कोविड जो 19 के लिए जो हमने नोटिफाई किया उसको एक पोर्शन में ही देंगे। तो ये जो चर्चा थी ये हमारे विधायक जी ने पहले कर ली थी, हमने भी कर लिए। तो डी साहब ने इंश्योर किया, सीमो साहब वहीं बैठे थे, कि ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल को अगर इमरजेंसी में अगर कोई एडमिट करना पड़े पेशेंट तो यहाँ पे उसकी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए 3-4 दिन लगेंगे इसको अनाउंस करने में। अर्नेट थे कि अगर अगर जरूरत पड़ती है तो जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वो भी उनके ध्यान में है, उसको भी वो टेकअप कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं तो उस हिसाब से ये देखा जाएगा कि ये जो हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग में रखते हैं इनको कहीं और शिफ्ट करते हैं, जो आइसोलेशन वार्ड जो कि अल्टरनेट हमने रखे हुए हैं। तो ऐसे धर्मशाला में जो लोगों की चिंता है वो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में इंडोर फैसिलिटी हमें मिलेगी।